योगश्चित वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों को भली भांति शांत करना योग है। योग के मार्ग पर चलकर व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जी हाँ, जब तक हमारा मन संतुलन में नहीं है, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। एकाग्रता को बनाए रखने के लिए योग में आसन है भुज पीड़ासन। अजय शर्मा ने बताया कि भुज पीड़ासन को शोल्डर प्रेसिंग पोज भी कहते हैं, क्योंकि ये आसन हमारे कंधों और भुजाओं को मजबूत बनाता है, जिससे रक्त परिसंचरण में भी सुधार होता है। यह आसन हाथों के आधार पर होता है। इसमें हाथों के द्वारा ही शरीर का संतुलन बनाया जाता है। अजीत शर्मा ने बताया कि भुज पीड़ासन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे की ओर और पैरों को पीछे की ओर ले जाएं और हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। फिर अपने दोनों पैरों को अपने हाथों के सामने ले आएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों के कंधों को अपने घुटनों के नीचे से लाकर हथेलियों को जमीन पर लगाएं। इतना करने के बाद अपने पूरे शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर ले आएं। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में जोड़ें या क्रॉस कर लें। फिर इसी तरह से आसन में बने रहें और 1 से 2 मिनट तक इस आसन में बने रहने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह आसन करने में थोड़ा कठिन लगता है, पर इसके नियमित अभ्यास से यह आसान हो जाता है। अजीत शर्मा का कहना है कि सभी को इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, परंतु एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को ये आसन अवश्य करना चाहिए। भुज पीड़ासन हड्डियों को मजबूती और कलाइयों व भुजाओं को ताकत देता है। PR TV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।